फिर आपने कहा कि हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, भगवान को गालियां देते हैं, घर में दूसरे धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं, दूसरे धर्मों का पाठ करते हैं, उनके इस आचरण से हम सबको असहनीयता होती है, उनका त्यागने का मन करता है, त्याग भी नहीं पा रहे, आप आज्ञा करो क्या करें। भैया देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, ये संकीर्णता तो बहुत फैलती जा रही है, धर्म परिवर्तन की पूरे भारत में ही फैल रही है, पर पंजाब इसका गढ़ बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को परिवर्तन, अब ये पता है क्या है, धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया, केवल लोभ में आकर के, और लोभ में आकर के आप जो कुछ भी करते हो, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। तो अब उनको तो हम क्या ही समझाएं जो कर रहे हैं ये सब काम। बस ये समझ लीजिए कि एक विवाह होते हुए भी अन्यत्र किसी के साथ में संबंध रखना, उसका जितना बड़ा पाप लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से। सौभाग्य से मिला है हमको हिंदू राष्ट्र, सौभाग्य से मिला है हमको ऐसा जन्म, सौभाग्य से मिला है हमको सनातन धर्म, और हम उसका त्याग करके अन्यत्र किसी के शरण में जा रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, अधोगति तो निश्चित है। लेकिन अब जिनका ये प्रश्न है कि उनके मन में इच्छा हो रही है अब क्या करें, घर में तो ये सब चल रहा है, तो भैया देखो, आप तो प्रहलाद जी को अपना गुरु मानो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, क्या नाम था उनका, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष उनके चाचा जी का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं वो कैसे, ये ऐसे ही हैं, भगवान को गालियां देते हैं, घर में उल्टे सीधे काम होते हैं, सब तरीके से प्रहलाद को रोकते हैं कि तुम भजन मत करो, तुम ये मत करो तुम, पर प्रहलाद जी ने पता है क्या किया, प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग नहीं किया, अपना भजन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में, सब अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं इस संसार में जो कर रहे हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, वहां पर सूरदास जी कहते हैं मन से त्याग करो सामने वाली व्यक्ति का, तन से त्याग मत करो, आपको तन से नहीं छोड़ना उसको, मन में जो उसकी स्थिति थी, मन में जो उसका सम्मान था, उसका त्याग कर दो। महादेव ने सती का त्याग किया, कैसे त्याग किया, सती परीक्षा लेकर के आई राम जी की, तो महादेव को पता चल गया कि बताओ इतना विश्वास नहीं, भगवान की परीक्षा लेकर के आई है, और फिर महादेव ने पूछा कि आप कहां गई, तो झूठ और बोल दिया कि मैं तो पास से प्रणाम करने गई थी। महादेव ने क्या किया, सती का त्याग किया, पर त्याग तन से नहीं किया, मन से किया। कैसे त्याग किया, जो आसन बगल में लगाते थे हमेशा उसको सामने लगा दिया, अब आप हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो, क्योंकि बगल में तो गृहिणी बैठेगी और गृहिणी का भाव आप खो चुकी हो अब। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के हैं, जो हरि विमुख हैं, और उनसे आपका ऐसा संबंध है कि आप तन से उनको छोड़ नहीं सकते, तो मन से उनका त्याग करो, फिर तो केवल एक व्यवहार मात्र निभाओ कि आपसे हमारा ये संबंध है। तो जब तक इसके पीछे कथा सुनाए, जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था, अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी, कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग कहाँ हो, शांति हो ऐसी जगह सत्संग हो। तो अंगद जी की पत्नी बोली आप सब हमारे घर चलो, हमारे घर पे ही सत्संग कर लो।
तो सब संतों को लेकर के अंगद जी की पत्नी घर आ गई और वहीं पर ही सत्संग होने लगा। समाज बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। शाम का समय अंगद जी लौट करके आए अपने घर। घर आकर के देखा तो महाराज उछल उछल करके जो है महामंत्र पर सब कीर्तन कर रहे हैं और साधु महात्मा भी सब नृत्य कर रहे हैं और वहां तो कीर्तन कथा चल रही है। अंगद जी महाराज तो क्रोधित हो गए और भीतर जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बंद करो ये सब नाटक, क्या कर रहे हो यहां पर? ये घर है, तुम्हारा आश्रम नहीं है, ये घर है, ये तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है जो यहां उछल उछल के कीर्तन करो, निकलो यहां से बाहर। अब वैष्णवों को अपने अपमान से इतना बुरा नहीं लगता, पर कथा कीर्तन का कोई अपमान करे ये वैष्णवों से सहन नहीं होता। सब लोग चले गए, अंगद जी की पत्नी बिल्कुल नीची नजर किए और महाराज लाल पड़ गया था चेहरा उसका। अंगद जी प्रेम तो करते थे अपनी पत्नी से, आज जाके बोले देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम सत्संग करो, कथा सुनो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर ये घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपना बाहर जाके किया करो सब काम। उसी समय अंगद जी की पत्नी बोली, ये बात आप प्रेम से मुझे सत्संग के बाद भी कह सकते थे? कम से कम गुरुजन और इतने सब साधु महात्मा सत्संगी आए थे, उन सब के बीच में उपद्रव तो नहीं करना चाहिए था आपको, और ये मुझसे प्रेम से बात क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? गृहिणी हूं, पत्नी हूं, केवल इसलिए प्रेम से बात करो? इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो? सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा क्या, मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी, आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी, ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे, तन से वो संगी ही है पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए, अंगद जी बोले अब मान जाओ, पत्नी नहीं मानी, बोले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका देखूंगी। एक महीना बीत गया, अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता, क्यों, पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था, लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पर बैठ के एक कीर्तन, एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से? कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी, अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते एक महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतने सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए और आकर के पूरी कथा सुनने लगे, पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा भैया यहां पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले कल सात दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए यहां से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले अब कब होगी कथा? बोले कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है वहां पर आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए महाराज, दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे।
अब तो अंगद यही नियम बन गया। बोलो वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी खेल रहे हैं, माइक बंद कर रहे हैं बार बार, पर या से ज्यादा ना खेल जाइयो लाला, नहीं तो हम ब्रजवासी हैं दिखाई देंगे फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो हम क्या बता रहे थे, अंगद जी महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे, इतनी आसक्ति कथा के प्रति हो गई उनकी। अब तो अंगद जी को घर में पत्नी रूठी बैठी है उससे भी उनको कोई फर्क नहीं, बढ़िया जाते हैं प्रेम से घर में जाते हैं, पत्नी भोजन खिला देती है, पा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के राजपाट का काम देखते हैं, दोपहर में जाके कथा सुनते हैं, ऐसा नियम चलने लगा। पत्नी के भी मन में होने लगा, पहले तो इनको चिंता थी कि मैं देखती नहीं हूं, अब तो ये चिंतित भी नहीं लगते मुझको। एक दिन गांव में पुनः कथा होने लगी और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अंगद जी महाराज पीछे खड़े होकर उछल उछल करके उन्माद नृत्य कर रहे थे। एक बात हम आपसे कहें, कीर्तन में कभी भी सोच समझ करके नृत्य मत करना। चार आदमी उठा रहे हैं तब आप नृत्य करो, इससे बढ़िया मत करो। नृत्य कब करो, जब आप स्वयं को रोक नहीं पाओ तब ही नृत्य करना। इस बात को हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं जो सोच समझ करके नृत्य कर रहा है समझो वो आडंबर है, वो भी दंभ है, पर जिसके पांव रुक ना पाए, जिसके हाथ रुक ना पाए, जिसके नेत्र स्वयं को रोक ना पाए, जिसका मन स्वयं को रोक ना पाए, समझ जाना उसके चित्त में मैं ही खड़े होकर के नृत्य कर रहा हूं, तभी वो नृत्य कर रहा है। इसलिए कभी भी संकीर्तन कीर्तन भजन में सोच समझ के नृत्य नहीं, आप स्वयं को थोड़ी देर रोक के रखो, जब लगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा तब नृत्य करो, तब समझना कि चित्त में श्याम सुंदरी नृत्य कर रहे हैं, और वो जो सुख होगा ना वो अद्भुत ही होगा। तो ऐसा उन्माद नृत्य कर रहे थे कि महाराज सारी श्रोताओं की दृष्टि चली गई। उसी सत्संग में सबसे आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी, उसको भी नहीं पता था कि पीछे वो हैं, और ना अंगद जी को पता था पत्नी बैठी, तो सब लोग देखने लगे, ब्यास जी भी उन्हीं को देखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि कौन नृत्य कर रहा है देखूं, तो पीछे देखा तो अंगद जी नाच रहे थे। पत्नी बोली ये मेरे पतिदेव ही हैं, बार बार अपनी आंख मीट करके देखे, बोले हाँ लग तो वही रहे। अब उसने अपना मुख छुपाया और कथा में वो पूरी दृष्टि उन पर ही रखी, तो देखिए महाराज जैसे ही कथा हो भाव आवेश में आकर के रुदन करने लग जाएं, कभी हृदय पर हाथ रखें। पत्नी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझको रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ दिन जांच पड़ताल की, किसी से बात की कि भैया ये वैष्णव तो बड़े आनंद, अरे महाराज इनकी तो पूछो मत, ये हर गांव में कथा सुनने जाते हैं और पिछले एक वर्ष से कथा सुन रहे हैं, इनका तो भाव ही अलग है, इनका तो भाव ही विलक्षण है। पत्नी समझ गई, बोले कि अब अंगद जी पुराने वाले नहीं है। आज घर पर जैसे ही गए तो पत्नी उघारे मुख से खड़ी थी घूंघट उठा के, अंगद जी जैसे ही घर पहुंचे तो देवी मैं आ गया हूं घूंघट कर लो।
अंगद जी की पत्नी बोली, अब घूंघट नहीं करना, हरि विमुख अंगद से मैंने घूंघट किया था, अब हरि सन्मुख अंगद है, अब आपसे काय को घूंघट करूं मैं, आप मेरा मुख देख लो। लेकिन अब अंगद जी की स्थिति क्या हो गई सुनो। अंगद जी बोले, देवी क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, पहले तुमको देखना अच्छा लगता था, अब वो सुख नहीं मिल रहा है, अब तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्यामा श्याम कब दिखेंगे। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। तो जिनका भी ये प्रश्न था कि हमारे पिताजी ऐसे हो गए, हम क्या करें, जैसे अंगद जी की पत्नी ने मन से त्याग किया, वैसे त्याग करो, भगवान की कृपा हो गई, अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में। आप केवल एक बार दो बार प्रार्थना कर सकते हो, आप पीछे नहीं पड़े रह सकते किसी व्यक्ति के कि वो सुधर जाए। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, जो माता पिता बालकों के पीछे पड़े रहते हैं, भक्ति करो, भजन करो, मंदिर जाओ, कथा, काय को पीछे पड़ रहे हो उसके, उसके प्रारब्ध में भक्ति भाव होगा तो वो करेगा, नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप एकाध बार प्रयास करो, उसके बाद वो ना करे तो पीछे मत पड़े रहिए उसके। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न आए हैं आज। फिर एक किन्हीं का ये भाव आया है कि वे कथा सुनने जम्मू से यहां 7 दिन के लिए जलंधर आए हैं, उनका भाव है कि महाराज जी कभी जम्मू भी कथा करने आओ, वैष्णो देवी मैया से कृपा करो, प्रार्थना करो कि वो हमको बुलावें, तो जल्दी जम्मू भी कथा सुनाने के लिए आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए अब कथा प्रसंग थोड़ा सा श्रवण करें, सब कथा प्रसंग ही है, ये सब भाव भी जो हम बता रहे हैं प्रश्नों के, ये भी सब कथाओं से ही है। सौनकादि ऋषि बैठे हैं सामने और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय, दूसरा शास्त्र सारह क, तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, चौथा किम कर्म, पांचवा के अवतारश्च, और छठवा धर्म कम शरणम गत। ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर, भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारह क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इन सब का सार क्या है? तीसरी बात, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, ये बात तो समझ में आती कि इंसान जैसे बन के आए, कभी कभी भगवान कछुआ बने आए, कभी भगवान मत्स्य बने आए, कभी नरसिंह बने आए, कभी बराह बन आए, ये रूप क्यों? जब भगवान एक ही है और सब समस्त भगवानों में एक समान शक्ति है तो फिर रूप क्यों बदलते हैं भगवान? एक ही रूप में सारे अवतार क्यों धारण नहीं करते, रूप क्यों बदलते हैं बार बार? स्व अवतार प्रयोजनम। और उसके बाद किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है, भगवान करते क्या है? हमने तो सुना है कि कर्म की उन पर कोई गति नहीं होती, तो फिर भगवान करते क्या है? किम कर्म। और फिर अगला प्रश्न, के अवतारश्च, अवतार कितने हैं भगवान के, कोई 10 बताता, कोई 24 बताता। और अंतिम प्रश्न क्या है,
ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद धर्मः